हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च की भरवा सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शिमला मिर्च को हम गोल गोल में काट लेंगे। इसके अंदर के बीज को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सभी शिमला मिर्च को, दो शिमला मिर्च हमने लिए थे, उसको अच्छी तरह से काट लिए हैं, उसके बीज को निकाल लिए हैं। यहाँ पे एक प्याज को हम काट लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। और प्याज काटने के बाद इसमें हम दो उबले हुए आलू ले लेंगे। इधर गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। कढ़ाई चढ़ा करके उसमें तेल डाल करके जीरा डाल देंगे तड़के में, और ऊपर से लहसुन अदरक का दरदरा पेस्ट डाल देंगे। जब वो एक मिनट तक भून जाए तो इसमें हम कटी हुई बारीक प्याज डाल देते हैं, और इनको हम दो तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर सुनहरा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दो मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच के करीब गर्म मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और साथ में थोड़ी सी हींग डाल देंगे एक चुटकी, और एक चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देंगे। इन सभी को डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ी सी किचन किंग मसाला ऐड कर देंगे, और इन मसालों को हम एक मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेते हैं। मसाला हमारा जब भून जाए तो यहाँ पे एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच के करीब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे, और इसको भी हम एक ही मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से बेसन हमारा भून गया है, अच्छी तरह से मसाले पक गए हैं। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं, तो इसको हाथ से ही तोड़ के हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से टूट जा रहा है, और इसको हाथों से मसलते हुए इसमें डाल देते हैं, और इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं, मिक्स करते हैं इसमें मसालों को। आलू डालने के बाद हम दो मिनट तक इसको भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह से करछी की सहायता से इसको हम मैश कर देते हैं आलू को, ताकि अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे दो मिनट बाद अच्छी तरह से जो हमारे मसाले हैं आलू मिक्स हो गए हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट करके हम डाल देंगे, और मसाले हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हैं। इसको चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मसाले हमारे पक गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तवे को चढ़ा देते हैं, और उसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद उसमें हम शिमला मिर्च को फैला देते हैं। तो यहाँ पे सभी शिमला मिर्च को हमने रख दिया है। अब इसके ऊपर से जो हमने मसाले बनाए हैं उसको चम्मच की सहायता से भर देंगे अच्छी तरह से दाब दाब के। तो यहाँ पे एक ही चम्मच हमने मसाला डाल दिया है, और उसको अच्छी तरह से हम दाब करके भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम कर देते हैं, लो फ्लेम। और जब अच्छी तरह से हमारा मसाला भर जाए शिमला मिर्च के अंदर, तो इसको हम तवे को हिला करके चारों तरफ इसके ऑयल को हम फैला देते हैं, ताकि हर जगह ऑयल हमारा फैल जाए और अच्छी तरह से नीचे से हमारा शिमला मिर्च भरवा पक जाए। तो यहाँ पे इसको हम दो मिनट के लिए ढक दिए थे। तो यहाँ पे दो मिनट ढकने के बाद इसको हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्का एक जल गया था, और इसको सभी को हम अच्छी तरह से पलट देते हैं। और पलटने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढक करके दो मिनट फिर पका लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे कम से कम 10 मिनट तक। देखिए अच्छी तरह से कलर भी छोड़ दिया है, और शिमला मिर्च भी हमारा अच्छी तरह से पक गया है। इसको फिर हम ढक देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब दो मिनट बाद बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन करके रेडी है। इसको चलिए हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी, कितनी बेसिक, घर के बेसिक सामान से हमारी शिमला मिर्च भरवा सब्ज़ी बन करके रेडी है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और बनाना बिल्कुल ईजी है। तो आप लोग भी ट्राई करें। तो यहाँ पे हमारा भरवा शिमला मिर्च सब्ज़ी बन करके रेडी है।
और इसके ऊपर से अब जो हमारे मसाले बचे हुए थे उसको हम डाल देंगे, जितना भी बचा है। तो बस आप लोग भी ट्राई करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।